हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडोलिक। मैं हूँ इंद्राणी और आज मैं आप लोग के सामने बहुत ही अलग एक रेसिपी लेके आई हूँ। दम आलू तो आप लोग हम लोग खाते ही हैं, हर एक के घर में बनता है, लेकिन आज हम लोग ये दम आलू एक ट्विस्ट देंगे। इसमें हम लोग पुदीना के साथ बनाएंगे, पुदीना दम आलू। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी होता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। हाँ, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आलू आप लोग यूज़ करें ये नया आलू हो। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया है अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून और इसे गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें बॉइल्ड पोटैटोज ऐड कर रही हूँ। मैंने जो आलू यूज़ किए हैं ये इतने बड़े नहीं थे, इसलिए मैं हाफ कर रही हूँ और इसे अभी हम लोग फ्राई कर लेंगे। आलू जब भी आप लोग पीसेस करेंगे बॉइल करने के बाद, ध्यान रखिएगा कि इक्वल पीसेस हो, तभी आलू अच्छे से पकता है। अभी इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो हम लोग निकाल के रख लेंगे इसे। इसे मैं अभी निकाल के रख लूँगी। अभी उसी पैन में मैं ये ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और अब जब ज़ीरा ने कलर चेंज कर लिया, अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज को फाइनली चॉप करके इसे मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। ये थोड़ा फ्राई हो जाए उसके बाद मैं ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी इसमें। ये देखिए फ्राई हो गया है। अब मैं मसाले ऐड करूंगी, नमक, हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसमें मैं अभी जो आलू बॉईल करके रखे हुए थे, सॉरी फ्राइड करके, उसे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके रख देंगे। बहुत ही आराम से हमें हिलाना है इसे, क्योंकि बॉइल्ड आलूज है, नहीं तो टूटने का खतरा रहता है, इसलिए आराम आराम से ही हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया है। अब मैं इसे रख दूंगी अलग से। एक मिक्सिंग जार लिया है, इसमें मैंने एक बड़ा साइज का टमाटर को ऐसे बड़े बड़े चॉप पीसेस में काट लूँगी और इसमें मैं पुदीना के पत्ते डालूँगी। पुदीना पत्ता आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मिंट फ्लेवर अच्छा लगता है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया मैंने, थोड़ा सा पानी ऐड किया है अराउंड 1/2 कप। अभी इस आलू में मैं उस पेस्ट को मैंने ऐड कर दिया है और इसे अभी सिम पे हमें दम पे पकाना है, ज़्यादा देर नहीं, ताकि ये जो पुदीना और टमाटर का पेस्ट है आलू को अच्छे से कोट कर ले। ये देखिए पकने के बाद मैं अभी इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और अराउंड 1/2 टीस्पून मैं अभी चाट मसाला ऐड कर दूँगी। चाट मसाला अगर आप लोग को अच्छा ना लगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो टेस्ट एनहांस होता है। और अगर चाट मसाला नहीं है तो थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग का पुदीना दम आलू कितने इजीली बन गया है। इसे पूरी ही या पराठा के साथ सर्व कर दिए और ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।